अस्सलामुअलैकुम, वेलकम क्लास। सो आज हमने क्या करना है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में चीज़ें बताई थी, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये फ्रेमवर्क के बारे में बताया था। तो फ्रेमवर्क आप लोगों का कितना होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, अब वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई आप लोगों को फ्रेमवर्क बनाना है, फ्रेमवर्क क्या किस तरीके से बनाना है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि फ्रेमवर्क में होना क्या चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क बनाए। भाई आप लोगों को जो फ्रेमवर्क मैंने कहा है आप लोगों को, तो वो फ्रेमवर्क आप लोगों को जैसे कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जो लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने किया था उसी के अंदर ही, लिटरेचर रिव्यू के ही अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्या नाम है फ्रेमवर्क्स, दूसरे रिसर्चर्स ने काम किया होगा, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, हर किसी ने अपना अपना मॉडल दिया होगा। फ्रेमवर्क को हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं, सही है। तो जैसे कि आप लोगों को वो चीज़ें परफॉर्म करनी है, मीन्स वो फ्रेमवर्क बनाना है। अब फ्रेमवर्क ये नहीं है एज इट दूसरे का कॉपी करना है, वो नहीं, जस्ट आप लोगों को करना क्या है, दूसरे के फ्रेमवर्क को समझना है। जो टॉपिक जिसके तहत आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया है, मीन्स 20 रिसर्च पेपर जो लोग आप लोगों ने किए हैं, वो आप लोगों को क्या करना है कि उसी से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क बनाना है। मीन्स आप लोगों ने जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अपने व्हाट्सएप पर मैंने रिसर्च पेपर आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रॉय व्हाट्सएप मैसेज। अब मैं क्या करूँगा, उसका फ्रेमवर्क मुझे बनाना है कि उसका किस तरीके से करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंड वाला बटन मैंने उसमें लगा दिया था, फिर उसके बाद दूसरा इसमें रिसीव, फिर उसके बाद आप लोगों की कौन सी चीजें हैं, यहां पे सिंगल टिक आ जाए, देन डिस्ट्रॉय। अगर डिस्ट्रॉय कोई कर रहा है तो सिंगल टिक कर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल टिक आ जाए, जैसे कि मैं डबल टिक, अगर ब्लू कलर की टिक आ जाती है तो यहाँ पे आप लोगों के डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो रिसीव्ड हो गया। उसके बाद एंडिंग है। अब ये क्या है, मैंने एक सॉफ्टवेयर का मतलब आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर मेरे जो चीज़ बनाई थी उसका एक फ्रेमवर्क बनाया मैंने। अब फ्रेमवर्क के अंदर पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन इसके अंदर परफॉर्म होगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी। फिर इसको ब्रीफ करना है आप लोगों को, अपनी टेक्स्ट में बताना है, जहाँ आप लोगों को अपनी अपनी चीज़ों अपने मतलब लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है कि इस फ्रेमवर्क में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सो ये तो आप लोगों के फ्रेमवर्क के हवाले से। अब दूसरी ये चीज़ हो रही है, अब स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों की, हाँ स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो तो इसमें एक चीज़ आ रही है कि हाइपोथेसिस एंड टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, किस तरीके से है, अब आज का टॉपिक तो ये है। इसके फर्दर सब टॉपिक्स कौन से, व्हाट इज हाइपोथेसिस, variables, type of variable, formulating hypothesis, working with hypothesis, theory, testing and hypothesis, ये topics हैं, आज हम इसको discuss करेंगे। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों की परफॉर्म हो रही है, किस तरीके से हो रही हैं, क्या क्या इसमें होगा, फ्रेमवर्क के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हो गई, उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि मेथोडोलॉजी। अब जैसे कि इसमें हाइपोथेसिस के बारे में आ रहा है तो ये आप लोगों के लेक्चर जो टेस्टिंग में आएगा, मगर हमारे करिकुलम के हिसाब से हमारा जो ये हाइपोथेसिस के बारे में चीज़ें बतानी थी वो आज के लेक्चर में ही है। तो मेथोडोलॉजी मैं पहले से ही आप लोगों को बता देता हूँ कि मेथोडोलॉजी में आप लोग करोगे क्या, किस तरीके से आप लोग अपनी मेथोडोलॉजी बनाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई चीज, जैसे कि आप लोगों की चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, सो इसमें आ रहा है कि मेथोडोलॉजी,
जैसे कि मेथडोलॉजी में आप लोगों की कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से हैं, आप लोग मेथडोलॉजी क्या परफॉर्म करोगे, मेथडोलॉजी का मतलब क्या है, मेथडोलॉजी आप लोगों के मींस वेज, किस तरीके से जा रहे हो, किस तरीके से काम करोगे, कौन सी चीजें परफॉर्म करोगे, उसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने ऐड की है, किस तरीके से आप लोगों ने वो काम परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक एग्जाम्पल ले लें, यूनिवर्सिटी तो आते हो आप लोग, सही है, यूनिवर्सिटी आते हो तो आप लोगों ने क्या किया था, जैसे कि तैयार हुए थे, तैयार होने के बाद हर किसी के पास अगर कोई अपने अपनी गाड़ी है तो वो अपनी गाड़ी में जाएगा, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी गेट तक आ जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी गेट के बाद वहाँ से उतरेगा, फिर अपनी चेक कराएगा, टैक्स कार्ड चेक करवाएगा, फिर उसके बाद अंदर आएगा, फ्रंट डेस्क से पता करेगा कि क्लास कब है, यहाँ कौन सी है, किस जगह पे है, मतलब आप लोग अपनी चेक करोगे, फिर उसके बाद आप लोग क्लास में आ जाओगे। ये क्या किया था आप लोगों ने, मेथडोलॉजी आप लोगों ने जो प्रोसेस परफॉर्म किया था, जस्ट लाइक अल्गोरिथम, आप लोगों ने जो स्टेप बाय स्टेप चीजें परफॉर्म की है, मेथडोलॉजी भी आप लोगों की इसी तरीके से है, आप लोग इसी तरीके से आप लोग चीजें परफॉर्म करोगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरी दूसरी रिसर्च थी सिंधी टेक्स्ट कैटेगराइजेशन यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब मैंने उसमें कौन सा काम किया था, किस तरीके से किया था, मैंने एक सिंधी न्यूज़पेपर है काविश न्यूज़पेपर, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें मैंने क्या किया था, वो सारी काविश न्यूज़पेपर है, पूरी की पूरी काविश न्यूज़पेपर है। अब पूरी पूरी काविश न्यूज़पेपर तो है, उसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ही क्राइम वाली रिपोर्ट में है, मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैं क्राइम वाली रिपोर्ट पढ़ूँ, आप लोगों ने काविश न्यूज़पेपर या उर्दू न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने काफी हद तक ये देखा होगा कि जगह जगह पे, एक जगह पे कौन सी रिपोर्ट लिखी है, दूसरी जगह पे दूसरी रिपोर्ट, तीसरी जगह पे तीसरी रिपोर्ट, मतलब इस तरीके से मतलब चीजें लिखी हुई होती है, मतलब एक सिक्वेंस वाइज चीजें नहीं होती। तो मैंने क्या किया था, अगर इन केस हम लोगों में से कोई ऐसा है बंदा कोई जिसके पास इतना टाइम नहीं है, वो जस्ट इंटरेस्ट की क्राइम वाली रिपोर्ट में दिखा रहा है, तो मैं जस्ट क्राइम पे क्लिक करूँ तो क्राइम से रिलेटेड चीजें आ जाए, क्राइम से रिलेटेड आप लोगों की चीजें परफॉर्म हो जाए, वो चीजें बस सामने आ जाए, वो ही मैं रिपोर्ट पढ़ूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्राइम से लेके उसको छोड़ के बंदा फॉर एग्जाम्पल फैशन वाली रिपोर्ट से पढ़ी पढ़नी है, फैशन वाली कौन सी है, किस तरीके से और क्या क्या आज फैशन के बारे में चीजें आई थी, या आप लोगों के दूसरी ये रिपोर्ट आ गई थी भाई किसी की चोरी हो गई थी, चोरी से मीन्स आप लोगों ने वो किसी ने मैं धाड़ा लगा के या किसी का कत्ल हुआ या किसी की दूसरी चीजें मतलब रिपोर्टें हो गई, सो या पॉलिटिकली आप लोगों की रिपोर्टें हो गई, सो ये क्या है, किस तरीके से है, वो मैंने क्लिक किया था, उसके बाद वो सारी चीजें परफॉर्म हो गई। मैंने क्या किया था, वो अपना एक मेकानिज्म बनाया था, मीन्स एक न्यूज़पेपर मैंने ली थी, सॉफ्ट कॉपी में न्यूज़पेपर ली थी, फिर वेबसाइट की तरह मैंने अपनी चीज़ें अपना डेमो बनाया था, क्योंकि रिसर्च के लिए वो रिजल्ट्स आप लोगों को निकालने लाजम है। फिर मैंने डेमो बनाया था, फिर उसने क्या किया था कि अगर ये न्यूज़पेपर है, अब मैं क्राइम वाले बॉक्स को या मेन्यू को क्लिक करता हूँ, तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें मेरी फिल्टराइज हो रही हैं, क्लस्टरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज़ें मैं देख रहा था। फिर उसके बाद हुई तो फिर मैंने रिजल्ट निकाला, हाँ पॉजिटिव रिजल्ट है, फिर उसमें मैंने टाइमिंग वगैरह देखी, टाइमिंग कितनी है, और उसके बाद दूसरी क्या चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें परफॉर्म की थी। अब तो ये तो चीज़ें हो गई मेथडोलॉजी के हिसाब से। आप रिजल्ट के बारे में जैसे कि हाइपोथेसिस एंड टेस्ट करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों का हाइपोथेसिस के बारे में दे दूं, हाइपोथेसिस है क्या, हाइपोथेसिस मींस रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को प्रेडिक्ट करें, कोई भी चीज़ आप लोगों की प्रेडिक्ट हो, मींस मैं कोई प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि भाई ये प्रेडिक्टली मींस आप लोगों के रिजल्ट आ सकते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे, डेफिनेशन में आप लोगों को चीज़ें बता रहा है कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, टेंटेटिव में कभी भी चेंज हो सकती है, प्रिडिक्ट मतलब आप लोगों की प्रिडिक्ट से ये भी एक चीज़ आ रही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आज बारिश होगी नहीं होगी, या नहीं हो रही, या उस दिन बारिश नहीं हो, आज तूफान आ रहा है या इस तरीके से, फिर तूफान नहीं आता भी, वो प्रिडिक्टेटिव होती है, मतलब टेंटेटिव वो कभी भी चेंज स्टेटमेंट हो सकती है, ये नहीं है कि कॉन्स्टेंट हो गई, जैसे कि आप लोगों का सूरज है वहाँ पे ईस्ट है उभरता है फिर वेस्ट में डूबता है, तो इसी तरीके से नहीं है कि मतलब कांस्टेंट चीज़ है, ये चेंज होती रहती है। हाइपोथेसिस में भी आप लोग होंगे इसी तरीके से वेरिएबल्स के प्रयाप पे हैं, तो वो रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से वो चीज़ें दिखाता है। फिर हाइपोथेसिस में दूसरी चीज़ें आ रही है, हाइपोथेसिस इज इम्पॉर्टेंट इन द कैजुअल स्टडी,
determine the cause and effect of the independent and dependent variables. Casual study means कोई भी study हो गई मीन्स आप लोगों ने ऐसे ही कोई casually कोई study आप लोगों ने उठाई फिर उसके बारे में results वगैरह आप लोगों ने चीज़ें अपनी discuss की. उसके बारे में आप लोगों की दूसरी चीज आ रही है कि जैसे कि hypothesis must be tested using the appropriate statistical procedure depending on the nature of the hypothesis statement and nature of data. ये लाजम होना चाहिए जो hypothesis आप लोग यूज कर रहे हो टेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट मीन अप्रोप्रिएट स्टैटिकल प्रोसीजर हो स्टैटिकल मीन्स आप लोगों के वो स्टेटमेंट या आप लोगों के जो वेरिएबल्स आप लोगों ने लिए हैं वो सही सही तरीके से होने चाहिए. फिर उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही है या उसके हाइपोथेसिस स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ डेटा उस डेटा से मिलती जुलती चीज़ें हो. ये ना हो कि आप लोगों को वो डेटा के साथ वो चीज़ें मिलती भी नहीं है फिर उसके बाद आप लोग कहोगे कि यार इसका तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा ये तो बता ही नहीं रहा. नॉट ऑल रिसर्च मस्ट हैव हाइपोथेसिस. जरूरी नहीं है कि सभी रिसर्च में आप लोगों की हाइपोथेसिस होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है. ये कभी कभार किसी रिसर्च में ज़्यादातर आप लोगों के उसमें जो मैनेजमेंट साइंस वालों के जो रिसर्चेस होती हैं उसमें आप लोगों के ये हाइपोथेसिस लगते हैं. बाकी ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस वालों में इतनी नहीं लगती चीज़ें ये क्योंकि उसमें नीड नहीं पड़ती इस चीज़ की. फिर उसके बाद आप लोगों के आगे वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो वेरिएबल्स में आप लोगों की कौन सी चीज़ें हैं. जैसे कि वेरिएबल्स में आप लोगों की चीज़ें आ रही है एनी कॉन्सेप्ट दैट कैन हैव टू आर मोर वैल्यू मीन कोई भी कॉन्सेप्ट हो जिसमें टू आर मोर वैल्यूबल्स एक दो से ज़्यादा वैल्यूज हो कोई भी काम उसको क्या कहते हैं हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल फेनोमेनन आर इवेंट दैट इज मेजर्ड और मैनिपुलेटेड इन रिसर्च. फेनोमेनन आर इवेंट मीन्स कोई भी फेनोमेनन हो आप लोगों का या मीन्स कोई आइडिया हो या डेट इज मेजर्ड एंड आर मैनिपुलेटेड इन रिसर्च जिसके हम चीज़ों को घुमा फिरा सकें मीन्स अब किसी जगह पे वो वेरिएबल्स डाल दिया हमने क्योंकि वो एक्चुअल डेटा कभी कभार हमारे पास नहीं होती फिर हम क्या करते हैं वो वेरिएबल्स उसमें इंसर्ट कर देते हैं. उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही है कि समथिंग डेट वेरीज अमंग सब्जेक्ट्स और रेस्पोंडेंट्स. जो भी चीज़ें होती हैं कि कभी कभार आप लोगों की चीज़ें आ रही है उसी सब्जेक्ट्स के हिसाब से जहाँ रेस्पोंडेंट जो भी होते हैं जो उस चीज़ के लिए जैसे कि सर्वे बेस्ड आप लोग रिसर्च कर रहे हो उसी के बिहाव पे कभी कभार चीज़ें होती हैं. कभी कभार आप लोगों की समथिंग में वेरियस अमाउंट मीन जो आप लोग वेरियस सब्जेक्ट वगैरह उसमें यूज करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल्स आर वेरिएबल जेंडर लेवल ऑफ एजुकेशन एथनिक ग्रुप मंथली इनकम वीकली एक्सपोजर टू मास मीडिया फेथ ट्रस्ट बिलीफ इमोशंस ड्रग अब्यूज सोशल प्रॉब्लम्स हैप्पीनेस लाइफ अचीवमेंट स्टेट्स एंड सो ऑन. ये क्या एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों क्या है वेरिएबल्स हैं. ज़्यादातर ये चीज़ें आप लोगों की चीज़ें किसने सर्वे बेस में हम लोग यूज करते हैं. समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड बी मीनिंगफुल ये सारी के सारी चीज़ें आप लोगों में ये मेजर करते हैं हम लोग और उसी में से कोई मकसद निकालते हैं कि वाकई ये चीज़ है या नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इल्मा यूनिवर्सिटी है इल्मा यूनिवर्सिटी के सर्वे बेस कर दिया जाए कि भाई हमारी स्टडी लेवल या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टडी लेवल्स जो तीन चार हमने रैंडमली यूनिवर्सिटी दिखा ली फिर उसी में से हम लोग सर्वे क्या करेंगे टीचर से भी सर्वे करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से भी सर्वे करेंगे फिर स्टूडेंट से भी हम लोग सर्वे करेंगे और फिर ज़रूरत पड़े तो हम लोग मार्केट से भी सर्वे करेंगे. तो वाकई इस चीज़ का आप लोगों के व्याप्त आप लोगों के ध्यान में क्या है चीज़ें क्या हो सकती हैं. तो वो क्या है कि एक रिसर्च है उसमें वो आप लोगों का वो वेरिएबल्स वो सारी चीज़ें आप लोग रखोगे कि भाई कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिए थे किसी ने क्या रिप्लाई दिया था आपको इसकी वो सारी चीज़ें आप लोग अपनी सर्वे बेस में कंपल करोगे. उसके बाद आप लोग वेरिएबल्स में कुछ चीज़ें ये भी आ रही है वेरिएबल्स कैन टेक मोर दैट वन वैल्यू हैं वही चीज़ें जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों को अभी टू आर मोर वैल्यूबल्स के हवाले से बताई थी. द मोर प्राइसेसली अ वेरिएबल इज मेजर्ड द मोर यूजफुल द मेजरमेंट इज इसलिए हो मीन छोटा से छोटा हो इतना ज़्यादा ना हो बड़ी बड़ी लंबी चीज़ें ना हो सिंपल सी चीज़ें हो. रिसर्च का मकसद क्या है रिसर्च पेपर का नटशेल में आप लोगों ने मतलब चीज़ें बतानी है डिस्क्राइब करनी अपनी मीन्स ये आप लोगों की क्या चीज़ें हैं किस तरीके से है वो आप लोगों ने काम क्या किया था
वो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लिखते हैं। बड़ी चीजें हम तब लिखते हैं जब रिपोर्ट हो कोई, या कोई थीसिस हो आप लोगों की, उसी में हम लोग ज्यादा बड़ा चढ़ा कर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल डीवी मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, द आउटकम ऑफ अ रिसर्च स्टडी डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मीन्स जो भी आप लोगों का आउटकम रिसर्च करने के लिए एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट के हिसाब से भी होता है, मीन्स जो भी आप लोगों के जो रिजल्ट्स आप लोगों ने निकाले एक्सपेरिमेंट किए उसके रिजल्ट क्या निकले थे, उसके व्यापी आप लोग उसका आउटकम लिखोगे, तो इसका आउटकम ये आया। जैसे कि मेरी अपनी रिसर्च थी, मैंने जो सिंधी पे जो टेक्स्ट की थी उसकी मतलब मैंने बताया था कि भाई इसकी 98% एक्यूरेसी है, मीन सही तरीके से बता रहा है। 2% उसमें है के मार्जिन है के मैं भी गलत थोड़ी थोड़ा बहुत अल्फाज नहीं मिल रहे उसको, तभी उसमें 2% ये चीज़ें आ रही। ये किस तरीके से बताई मैंने पता चली कि वो सारी की सारी चीज़ें मैंने चेक की उसमें। फिर उसके बाद आप लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आई वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट और कंडीशन अंडर कंट्रोल स्टडीड बाय द रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ट्रीटमेंट और कंडीशन अंडर कंट्रोल स्टडी बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पहले से वो स्टडी की हुई हो इंडिपेंडेंटली, मीन्स उसको हमने उठा दिया फिर उसके ही रिसर्च कर लिया हमने कि पता है कि इसने वाकई ये चीज़ें प्रूव की है क्या नहीं की है। कभी कभार इस तरीके से भी होता है कि जैसे कि मेरी रिसर्च है, मैं भी इनके आगे जाके वो सही तरीके से साबित ना हो मैंने गलत भी की हो, वो उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने की थी उस वक्त तो सही थी, आगे जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा नई एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब उसको उस थ्योरी को उसी चीज़ों को मैं अपनी उसी में चेक कर रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट ही गलत निकल रहे हैं। तो मेरी रिसर्च ख़राब नहीं हुई, मेरी उस वक्त सही थी। अब जाके दूसरी ये है कि कोई इम्प्रूवमेंट बता सकता है कि भाई इसका जो इम्प्रूवमेंट है इसके ये हो सकती है, इसके रिसर्च ये है। एक्चुअल रिसर्च का मकसद ही ये है कि आप लोग उसमें न्यू न्यू एडवांटेजेस या एडवांसमेंट उसमें लाएं, उसमें देखें कि कौन सी चीज़ें बेहतरी है। जैसे कि शुरू में ही आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर कमरे जितने इतने बड़े जो होते थे बहुत सारे, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी ऐसी वगैरह की नीड पड़ती थी हमारा ठंड की, और ये कंप्यूटर की एक एक चीज़ के लिए मतलब वेट करना पड़ता। ऐसे ऐसे रिसर्च हुई उसको मोर मोर कंप्राइज कर 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 करके अब तो हम पॉकेट कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन भी क्या है, ये आप लोगों का मिनी कंप्यूटर ही है, सेम हर चीज़ आप लोगों कंप्यूटर की तरह इस मोबाइल फ़ोन में भी आप लोगों के पास हर वक्त अवेलेबल है। इसलिए आप लोगों की दूसरी चीज़ें इसमें आ रही हैं कि जैसे कि वेरिएबल्स, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन कॉज एंड इफेक्ट टर्म। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। जैसे कि इसमें चीजें आ रही हैं, स्टडी हैबिट्स इफेक्ट ग्रेड, जो भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोई अपनी स्टडी को टाइम देगा तो जाहिर सी बात है वही चीजें आप लोगों के ग्रेड पे इफेक्ट करेंगी। सेम इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से सजेशन दूंगा, वो ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहता है कि भाई मैं साल रात नहीं पढ़ सकता, कोई कहता है कि मैं चार साल रात पढ़ रहा हूँ फिर मेरे ग्रेड से इतने अच्छे आते हैं, ये इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। जब दिल करे आप लोगों का वो रिसर्च करने का या कोई पढ़ने का, वो चीज़ उस टाइमिंग पे पढ़े, ज़्यादा चीज़ मतलब अपने आपको हेडक नहीं देना है। मीन्स दिन में एक चीज़ ये जहन में रख लें कि आप लोगों को 1 घंटा या 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है सारे दिन में, वो कोई भी टाइम आप लोग अपना सिलेक्टिव रख लो, उसमें थोड़ी थोड़ी आदत अपने आप में वो डाल दें। जैसे कि वो आप आदत डाल देंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप लोगों के जहन में भी आ जाएंगी, आदत बन जाएगी, फिर आप लोग 2 घंटे 3 घंटे भी कर दो, 4 घंटे भी कर दो, इस तरीके से आप लोगों की स्टडी सही तरीके से बेहतर हो सकती है। जैसे कि रिसर्च करना चाहते हो डिफरेंट ट्रैफिक जाम काजेज स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है वो स्ट्रेस आ जाता है, जैसे कि जहन में चीज़ें फिरती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ से इवनिंग में छुट्टी होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 5 बजे या 6 बजे बहुत सारा रश हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग एक ही साथ निकलते हैं, अब वो ट्रैफिक जाम हो जाते हैं तो वो क्या है वो स्ट्रेस मतलब गुस्सा वो सारी चीज़ें वो थकावट वो चीज़ें, रास्ता हमें नहीं मारता हमें वो ट्रैफिक वो जाम करती है। इसी तरीके से ज़्यादा इफ़ वो नहीं करें, ट्रैफिक जाम नहीं करें, अपने स्ट्रेस नहीं दें खुद को। कोई भी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है या किसी तरीके से काम परफॉर्म करना है या करना है तो वो आप लोगों फ्रिक्वेंटली उसमें आप लोग
एक एक चीज लेके मतलब उसको पढ़ते जाए। मीन्स आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हो तो वो क्या चीजें आप लोगों की, जस्ट आप लोगों के ग्रेड्स, आप लोगों की इन चीजों को बेहतर करने के लिए। मगर जो आप लोगों का कैरियर है वो एक सब्जेक्ट को ले लें, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर फिर उसको आप लोग ज्यादा ज्यादा आपने यूज करें या उसके बारे में पढ़ें। वॉचिंग टीवी लीड्स टू ब्रॉडर जनरल नॉलेज। टीवी भी देखना लाजम है मगर उसमें आप लोगों का जनरल नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों न्यूज़ है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं पढ़ते कि न्यूज़ के बारे में या आजकल क्या चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से क्या हुआ था, तो न्यूज़ देखना भी ज़रूरी है। वो दूसरी न्यूज़ से या कोई आप लोगों ने चीज़ें ऐसे परफॉर्म करनी, जैसे मूवीज़ वगैरह देख ली, वो भी देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है सारा दिन वहाँ बंदा पड़े। तो इन कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स द कॉज मस्ट एक्सीड The back in time. Casual relationship means जो कोई अचानक वाला चीज़ें हो गई वो आप लोगों के कैसे आप लोगों के फैक्ट टाइम को करेंगी चीज़ें। मीन्स इस वक्त तो आप लोगों को अपनी चीज़ें पापा या अपने टाइम की कदर नहीं होगी। आगे जाके आप लोगों को अपने चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। द टू वेरिएबल मस्ट बी एम्पिरिकली कोरिलेटेड विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ अपने टू जो दोनों वेरिएबल्स हैं अपने साथ एक साथ मतलब को रिलेटेड ही है। मीन्स अपने साथ एक साथ ही है, एक वेरिएबल होगा तो दूसरा उसके डिपेंडेंट भी होगा। इसी तरीके से आप लोगों के कुछ टाइप्स हैं जो आप लोगों के वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स के कौन कौन से टाइप्स आप लोगों के हो सकते हैं। जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, अफेक्ट करते हैं कोई किसी चीज़ पे। मीन्स आप लोगों किस पे डिपेंडेंट है, मीन्स मेरे ब्याह पे। मीन्स मैं ले रहा हूँ कि मेरा नाम अवैध है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे ब्याह पे मैं एक को वेरिएबल ले लिया। वो क्या है, वेरिएबल डिपेंडेंट मुझ पर ही है। जो मैं काम करूँगा, जो चीज़ें परफॉर्म करूँगा वो उसी एक को मिलेंगी, इफेक्ट करेंगी वजह पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल काज, कोई चीज़ मीन्स किसी ने परफॉर्म की है तो उसको काज कैजुअल काज बनाएंगे हम लोग के वाकई है कि नहीं है। इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स समथिंग एज प्रेजेंट से, मीन इंटरव्यू लेंगे हम किसी से भी, वेरिएबल्स हम लोग अपने बना रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, वो समथिंग एज प्रेजेंट जो किस जगह पे प्रेजेंट हो। एंटीसीडेंट वेरिएबल्स आप लोगों के प्रियर इन टाइम, टाइम से पहले वो चीज़ें आप लोगों के आए। उसके बाद है सुप्रेसर वेरिएबल। सुप्रेसर वेरिएबल में आप लोगों क्या है, कॉन्शियल रिलेशनशिप ऑफ टू अदर वेरिएबल्स। कॉन्शियल रिलेशन मीन्स एक दूसरे के साथ, मीन्स आप लोगों के टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप होना चाहिए। डिस्क्रीट वेरिएबल टेक होल नंबर ओनली, जो भी आप लोगों के नंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब के सब होते हैं। फिर उसके बाद आ रहे कंटिन्यूस वेरिएबल टेक ऑल नंबर्स इवन डेसिमल पॉइंट, जो भी है कंटिन्यूस वेरिएबल सभी नंबर्स को लेगा और जो भी है आप लोगों की इवन पॉइंटिंग वैल्यू भी होगा उसको भी काउंटेबल करेगा। क्योंकि रिसर्च में आप लोगों के पॉइंट वाला वेरिएबल भी आप लोगों का वो पॉइंट वाला वो फिगर भी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमें आप लोग कुछ चीजें आ रही हैं, डिस्टॉर्टेड वेरिएबल काज एन अपेरेंट रिवर्सल इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स। आप लोगों की किस तरीके से काज एंड अपेरेंट रिवर्सल इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल, जो हर किसी अपने दोनों में डिस्टॉर्टेड वेरिएबल्स में आप लोगों के रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल हैज द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल जो उस पर डिपेंडेंट हो उसके कंट्रोल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल में पोटेंशियल एंड इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स हैज एन अनप्रिडिक्टेड इम्पैक्ट ऑन डीवी। मॉडरेटर वेरिएबल्स, वेरिएबल रिलेटेड टू आई वी एंड और डी वी एंड हाइडिंग द ट्रू रिलेशनशिप आई वी बिटवीन आई वी एंड डी वी, दोनों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के परफॉर्म हो। मॉडरेटर जैसे कि आप लोग किसी चीज़ के लिए हम लोग बनाते हैं, एक एडमिन होता है, फिर मॉडरेटर वो चीज़ों को संभालता है। मीन सारे राइट्स उसके पास नहीं होते मगर थोड़े से इतने होते थे जो मेन मेन इम्पोर्टेंट राइट होते हैं जिसके वजह से वो चीज़ें चले वो हम मॉडरेटर को दे देते हैं। सेम इसी तरीके से टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आप लोगों की दूसरी चीज़ें ये आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेंसिटिव टू चेंज इन आई वी आई सी डी ई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज कॉल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एज इफेक्ट। यूजुअली रिसर्चर आइडेंटिफाइड फ्यू आई वीज एंड वन डी वी इज इन एन
इतना रिसर्च द आईवीज एंड डीवीज मस्ट बी ऑपरेशनलाइज्ड और मेजर्ड इन ऑर्डर टू गेट डेटा। अच्छी बात है, जो भी आप हम लोग मेजर करें अपने और डेटा को चीजें जो हमने यूज किया है, जो यूजली हम लोग का यूज करें, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप लोगों के यूज हो, ऑपरेशनलाइज हो, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग में उन चीजों को हम किस तरीके से बनाएंगे, इफ देन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन, देन ये होना चाहिए, जाओ कोई और चीज होनी चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग यूज कर रहे हो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन हो। उसके बाद आ रही चीज है इन अ टेस्टेबल फॉर्म यूजिंग प्रॉपर स्टैटिकल प्रोसीजर्स। जैसे कि इसमें एक चीज आ रही है कि टेस्टेबल फॉर्म यूजिंग प्रॉपर स्टैटिकल प्रोसीजर, जो आप लोगों के प्रोसीजर स्टैटिकल प्रोसीजर आप लोग यूज कर रहे हो उसमें आप टेस्टिंग जो स्टैटिकल रिजल्ट आप लोगों ने डाल दिए हैं वो सारी चीजें, राइट फ्रॉम पास्ट रिसर्च जो पिछले प्रीवियस में की चीजें हुई है, जैसे कि एआई है या रिसेंटली मैंने जो रिसर्च की है वो एआई पे, एआई आप लोगों के बिजनेस में किस तरीके से इन्वॉल्व कर रही है और लोग इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करे, काफी कंपनी वाले अभी तक इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सीखना पड़ेगा या उसमें कोई और मजीद चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी या और मजीद उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि वो क्या है कि प्रीवियसली देखी, फिर ऐसे ऐसे कुछ कंपनी या यूनिवर्सिटीज उसमें एआई पे आ रही है, वो उसमें परफॉर्म कर रही है चीजें। जैसे कि इसमें आप लोगों की चीजें आ रही है अटेंटेटिव थ्योरी और सपोजिशन प्रोविजनली अडॉप्टेड टू एक्सप्लेन सर्टेन फैक्ट्स एंड टू गाइड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदर्स हेंस फ्रीक्वेंटली कॉल्ड अ वर्किंग हाइपोथेसिस। टेंटेटिव थ्योरी सपोजिशन मीन प्रोविजनली जो अडॉप्टेड हुई थी एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करें फैक्ट्स सर्टेन फैक्ट्स के आगे, फिर टू गाइड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदर, जो दूसरे लोगों ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की थी उसके रिजल्ट्स को देखना है वाकई उसने सही किया है नहीं किया, अगर कोई उसमें कोई चीजें ऐड करनी है चेंज करनी है तो वो भी उसमें हम कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली कॉल्ड वर्किंग हाइपोथेसिस, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं चीजें रिजल्ट क्या हो सकते हैं इसके, फ्रीक्वेंटली उसको चेक करते हैं जाएंगे उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस में आप लोगों की चीजें आ रही है हाइपोथेसिस आर सिंगल टेंटेटिव गैसेस कुड हंचेस अज्यूम्ड फॉर यूज इन डिवाइजिंग थ्योरी और प्लानिंग एक्सपेरिमेंट इंटेंडेड टू बी गिवन एंड गिवन अ डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेस्ट व्हेन पॉसिबल। जो हाइपोथेसिस आप लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल जो आप लोग यूज करें प्रिडिक्ट करें तो वाकई ये हो सकता है मीन ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीजें आप लोग डायरेक्टली उसमें बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कभी कभार ये भी होता है कि हम लोग वो चीजें परफॉर्म नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही बता देते हैं कि भाई इसका रिजल्ट ये पॉसिबल हो सकता है, अब करेंगे तो वाकई उससे मतलब 19-20 तो होगा मगर नियरली वैसे रिजल्ट आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों ने टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस H0 स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस आर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की स्टेटमेंट या नो डिफरेंस कोई भी नहीं होता है, सेम वही स्टेटमेंट हम लोग उसके लिख देते हैं जैसे कि प्रीवियसली किसी और ने काम किया हो। अल्टरनेटिव आर रिसर्च हाइपोथेसिस HA हम जो लिखते हैं जैसे कि हम लोग अपने परफॉर्म करेंगे तो वो HA का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिव आर रिसर्च हाइपोथेसिस उसका अल्टरनेटिव ये होगा, मीन्स इसने तो ये यूज किया उसका अल्टरनेटिव में ये लिख रहा हूँ, फिर उसके आगे मैंने स्टेटमेंट RH1 से स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस और रिलेशन मीन्स सेम भी हो सकती है वो डिफरेंस भी हो सकती है आप लोगों की स्टेटमेंट सेम। इसी तरीके से फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस पॉसिस और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स रिलेवेंट डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द राइट सोर्स दैट विल कंफर्म और रिफ्यूट द हाइपोथेसिस। The data should be in the suitable level of measurement. There should be enough data to conduct statistical procedures. सारे के चीजों का मकसद ही ये है कि आप लोगों के जो suitable data आप लोग use कर रहे हो अपने statistical procedure बनाने के लिए या आप लोग statistical अपनी research करने के लिए suitable hypothesis जो उसी के साथ आप लोगों के relevant हो, ऐसा ना हो कि उसमें वो चीजें perform ही नहीं हो रही और आप लोगों ने ये चीजें लिख दी या उसमें कर दी। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये चीजें आ रही है कि इसने वर्किंग विद द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के साथ काम किस तरीके से किया जाए। द आउटकम ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द इज वी रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कभी कभार नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सही नहीं है, छोड़ दे उसको, तो वो तो हम सेम ही रख पाए ना। If the hypothesis is confirmed or in line with that, what is expected can do for the research? Hypothesis की मदद से हमें पता चल रहा है कि वो research हमारी in line है या नहीं है, वो research में हम लोग क्या चीजें perform कर सकते हैं। If the hypothesis is refuted, try to understand what other factors might be important and offer plausible explanation. Means आप लोगों के ट्राई टू अंडरस्टैंड वाट अदर फैक्टर्स, जो दूसरे फैक्टर्स उसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं या उसमें यूज हो रहे हैं, तो क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन हम हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोग बताएंगे। क्योंकि छोटी सी स्टैंड में लिखते हैं हाइपोथेसिस के H1 या H2, फिर उसके बारे में हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है। एनी आउटकम ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन एंड आउटकम ऑफ द रिसर्च एक्सप्लोर्ड फर्दर, कोई भी रिसर्च आउटकम ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आउटकम ऑफ द रिसर्च, जो भी रिसर्च का आउटकम लिखेगा फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोग थ्योरी, थ्योरी में आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी थ्योरी क्या है चीज़ें में, थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप लोग थ्योरी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जब अपनी स्टोरी बता दो, स्टोरी आप लोग बता दो किसी को, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी तब तक वो अगला बंदा आप लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। सेम ही इसी तरीके से आप लोगों की जो थ्योरी आप लोग यूज कर रहे हो, वो थ्योरी आप लोगों की मतलब फैक्ट होनी चाहिए, वो आप लोगों की स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्व मॉडल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आप लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग, स्पेशली वन दैट हैज बीन टेस्टेड एंड कंफर्मड एज अ जनरल प्रिंसिपल हेल्पिंग टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट नेचुरल फेनोमेना। जैसे कि आप लोगों के जो भी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने की है, रीजनिंग स्पेशली दैट वन हैज टेस्टेड कंफर्म, जो आप लोगों ने कंफर्म किए चीजें, वो आप लोगों को सही तरीके से उसमें परफॉर्म करके लिखनी भी है, उसको बयान भी करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ किसी चीज़ के, मतलब कोई चीज़ मैंने कोई बनाई है, मतलब कुक की है, तो मैंने क्या किया है कि मतलब हलवाई बनाया, फॉर एग्जाम्पल हलवाई बनाया, तो अगर वो रिप्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं है, मीन्स वो दिखने में अच्छा नहीं है, खाने में तो टेस्टी है, दिखने में अच्छा नहीं है, तो मैं उसको टच भी इतना नहीं करूँगा, जब तक तो कोई कोर्स करेगा उसको फिर टेस्ट करके चेक करूँगा। इसी तरीके से रिसर्च पेपर भी इसी तरीके से, उसकी जब तक रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी कोई उस पर पढ़ेगा भी नहीं, मीन्स रिप्रेजेंटेशन कहाँ से पता चलेगा, एक तो आपको टॉपिक्स होना बेहतर होना चाहिए, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट बेहतर होना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लागू होनी चाहिए, पिक्चर्स वगैरह लगनी लगी हुई हो, उससे मतलब इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई वाकई इसका रिसर्च इतनी अच्छी है, तो इसी वजह से ही वो रिसर्चर्स उसको पढ़ते हैं। रिसर्चर पढ़ेगा ही तो हमारे रिसर्चर्स को साइट करेंगे ना, अदरवाइज कोई साइट ही नहीं करेगा, मीन्स कोई एज अ रेफरेंस तौर पर हमारे यूज ही नहीं करेगा रिसर्चर्स, तो कोई फायदा नहीं है। सेम इसी तरीके से मेरी रिसर्चर्स के तकरीबन 67 साइटेशन हो गई हैं, मीन्स लोगों ने, दूसरे लोगों ने एज अ मतलब रेफरेंस तौर पे मेरी रिसर्च को भी यूज़ किया है, ये एक एतराज़ की बात होती है। तो इसी तरीके से ये साइटेशन और मजीद बढ़ती जा रही है। तो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप लोग यूज करें वो उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हेल्प एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स, फेनोमेना प्रेडिक्ट न्यू इवेंट्स व्हाट विल हैपन, न्यू इवेंट्स फेनोमेना जो आप लोगों ने पास्ट इवेंट्स है उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके प्रिडिक्ट से न्यू इवेंट्स, जो न्यू इवेंट हैं वो आप लोगों के जो भी क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से हो रहे हैं, चीज़ें प्रिडिक्ट कर, वो उसको सही तरीके से परफॉर्म करके लिखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस में आप लोगों की कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हमने परफॉर्म कर दिया, जैसे कि पूरी डेफिनेशन को तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं जस्ट इसका कॉन्सेप्चुअल वे बताता हूँ कि इसमें आप लोगों सिग्निफिकेंट ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट आप लोग कर रहे हो उससे रिलेटेशन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों की कौन सी इसमें यूज हो रही है, मीन्स कौन से रिजल्ट हो सकते हैं, वो अप्रूव हो चुके हैं या नहीं हुए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें हाइपोथेसिस के तहत ही पता चलती हैं। जैसे कि इसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में आप लोगों की क्या होनी चाहिए चीज़ें, जैसे कि मैंने
प्रीवियसली आप लोगों को इसमें पता चले, इसमें डेफिनेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग मुझसे कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एज ए CR के थ्रू पूछ सकते हो। जैसे कि इसमें आप लोगों की चीज़ें ऑपरेशन एंड डेफिनेशन, आप लोगों की कौन कौन सी डेफिनेशन आ रही हैं, किस तरीके से ये फिक्स होंगे, किस तरीके से सेट होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हाइपोथेसिस में आप लोगों की बयान की गई हैं। हाइपोथेसिस द रिसर्च हाइपोथेसिस में आप लोगों की कौन सी चीज़ें हैं, H1 में आप लोगों की कौन सी चीज़ें हैं, वो आप लोग इसमें चेक करोगे इसमें। और दूसरी ये चीज़ आ रही है बिहेवियरल साइंसेस में आप लोगों की कौन सी हाइपोथेसिस आप लोगों किस तरीके से फैक्ट करेंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के इसमें चेक की जाएंगी। फिर उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस में H1 में आप लोगों की सेम उसी तरीके कौन कौन सी नॉलेज इसमें ऐड होगी। इसमें कुछ पॉसिबल आउटकम्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोगों की कौन सी चीज़ें हैं, पॉसिबल आउटकम्स एक्सेप्ट रिजेक्ट करेक्ट एरर करेक्ट, ये भी पॉसिबल है। इसी तरीके से भी आप लोग अपने टेबल्स बना सकते हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड, या तो वो के साथ मैच करेंगे या तो क्या करेंगे एरर आएगा, रिजेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, सही है। उसके बाद आप लोगों के एरर्स टाइप 1 एंड टाइप 2, ये एरर्स के टाइप्स हैं, ये आप लोग का डेफिनेशन में खुद भी पढ़ सकते हो, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ड्यूरिंग जूम पे हम लोग जो क्लास स्केड्यूल करते हैं। उसके बाद आप पॉसिबल आउटकम्स इन आप लोगों के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन से हैं, एक्चुअलिटी आप लोगों के क्या है, उसमें आप लोग करेक्ट डिसीजन टाइप एरर 2 टाइप एरर 1 आप लोगों के जो करेक्ट डिसीजन आप लोगों के जो आ रहे हैं इसमें, ये आप लोग अपनी तरफ से हम ये चीज़ें इसमें सेट करते हैं, तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे जूम पे पूछ सकते हो। अगर वीडियो देखने के बाद बाद में क्वेश्चन कोई अराइज हो रहा है तो वो CR के थ्रू आप लोग मुझे सेंड कर देना, मैं वॉइस नोट आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि वो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो ये था आप लोगों का लेक्चर, था लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें आप लोग रिसर्च मेथडोलॉजी के हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब बात आ रही है कि आप लोगों की असाइनमेंट के बारे में, आप लोगों के असाइनमेंट के बारे में आप लोगों की कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ सेम इसी तरीके से आप लोगों के चीज़ें आ रही है। जैसे कि हम लोगों ने मेथडोलॉजी, तो अब नया दूसरा स्टेप आप लोगों को परफॉर्म करना है फ्रेमवर्क के बाद, फ्रेमवर्क के बाद आप लोगों को मेथडोलॉजी करना है। मेथडोलॉजी आप लोगों ने कौन सी यूज करनी है, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल जो लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने किया है वो सर्वे बेस्ड है या नहीं है, वो किस तरीके से आप लोगों की चीजें परफॉर्म हो रही है लिटरेचर रिव्यू में, फिर उसके बाद आप लोग अपनी मेथडोलॉजी लिखो। मेथडोलॉजी लिखोगे क्या, किस तरीके से, मेरे रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर पे रिसर्च गेट पे आप लोग देखोगे, फिर उसमें देखो किस तरीके से मैंने मेथडोलॉजी यूज़ की है, कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर रहा था, फिर किस तरीके से रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, वैसी चीज़ें आप लोगों को परफॉर्म करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि भाई मेथडोलॉजी मैंने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू तो कर लिया है, फिर उसके बाद मैं उसमें कौन सी चीज़ें परफॉर्म करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, अब उस सॉफ्टवेयर की दूसरे रिसर्चर्स ने कौन सा काम किया है वो काम चेक करूँगा, काम की मतलब स्टैटिस्टिकली वो सारी चीज़ें चेक करूँगा, फिर उसमें कौन सी चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों की, जैसे कि मेथडोलॉजी में आप लोगों ने स्टेप्स बताने हैं, किस स्टेप में क्या कर रहे हैं, किस स्टेप में क्या कर रहे हैं, फिर अगर कोई फिगर रखनी है या कोई ऐसी स्क्रीन रखनी है तो वो स्क्रीन भी आप लोग वहाँ पे रखोगे कि किस तरीके से है, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने परफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा मैसेज वाला था तो मैंने क्या किया था, उसने अपनी स्क्रीन भी बनाई थी, मुझे व्हाट्सएप पे तो ऑथेंटिकेशन नहीं है, मैंने एक डेमो बनाया था जिसमें वो मैसेज आ रहा था, मैसेज किस तरीके से डिलीट हो रहा था, वो मैंने स्क्रीन भी उसकी लगाई थी, मतलब अपनी वो स्क्रीन शॉट भी लगाया था कि वो सॉफ्टवेयर मेरा इस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके से होगा, वो आप लोगों को अपनी मेथडोलॉजी में बताओगे कि क्या आगे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, फिर उसकी मेथडोलॉजी आप लोग लिख के जाओगे। तो आप लोगों की ये असाइनमेंट है मेथडोलॉजी, आप लोगों की 1 पेज या 2 पेजेस तक आप लोगों की मेथडोलॉजी चली जाएगी। तो मेथडोलॉजी आप लोग लिखोगे उसमें किसके स्टेप्स लिखोगे, किस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हो, ये आप लोगों की असाइनमेंट थी। और आप लोगों का ये टॉपिक हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग हो गया, तो
आज का लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 6 वो आप लोगों का खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हम मिलेंगे। सही है, तब तक प्लान के लिए अल्लाह हाफिज़।